आप जानते ही होंगे कि एटम्स का साइज बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स किसी एटम के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। इसके अलावा खाली जगह भी होती है। आइए इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए 50 मीटर विड्थ वाला ये ओलंपिक पूल हमारा एटम है। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से बना होता है। लेकिन अगर आप पूल में न्यूक्लियस को खोजने के लिए कूदते हैं तो आपकी कोशिश बेकार जाएगी। वास्तव में ये इस पूल में बालू के एक टुकड़े को ढूंढने जैसा है। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से भी बहुत छोटे होते हैं। तो मान लीजिए कि 50 मीटर विड्थ वाले इस पूल जैसे एटम में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स न्यू सर्कुलर ऑर्बिट में यानी पूरे पूल में चक्कर लगाएंगे। तो इस एनालॉजी से हम कह सकते हैं कि एटम के चारों ओर बड़ी मात्रा में एम्प्टी स्पेस होता है। आइए अब हम एटम या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के मेजरमेंट की बात करते हैं। अगर हम प्रोटॉन्स के वेट की बात करें तो सिर्फ 1 ग्राम प्रोटॉन के लिए हमें 6×10^20 प्रोटॉन्स की जरूरत होगी। यानी एक प्रोटॉन का मास बहुत कम होगा। सेम केस न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी है। जनरली इन तीनों पार्टिकल्स को एक दूसरे के रिलेशन में मेजर किया जाता है। मान लीजिए एक प्रोटॉन का मास 1 यूनिट है। क्योंकि न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, इसलिए न्यूट्रॉन का मास भी 1 यूनिट होगा। वहीं इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन के मास से 1840 गुना कम होता है। कई एक्सपेरिमेंट्स इस बात को वेरीफाई भी करते हैं कि एटम का ज्यादातर मास उसके सेंटर में कंसंट्रेटेड रहता है। मास के अलावा सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे कुछ चार्ज भी होता है। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। वैसे ओवरऑल एटम का चार्ज तो न्यूट्रल होता है, यानी एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की नंबर बराबर होती है। वहीं न्यूट्रॉन्स की नंबर वेरी कर सकती है, लेकिन ये एटम के चार्ज को किसी भी तरह प्रभावित नहीं करती है।